नीज से नीचे तक के श्रग्स बेस्ट रहेंगे आपके लिए थोड़े से। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ स्टाइलिंग टिप्स फॉर शॉर्ट एंड प्लस साइज गर्ल्स। इस टॉपिक के ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे थे, काफ़ी टाइम से मिल रहे थे कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं। ऑलरेडी मैंने दो तीन वीडियोज़ बनाई हैं कुर्ती प्लाजो स्टाइलिंग से रिलेटेड, एथनिक वेयर साड़ीज से रिलेटेड, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न वेयर की, टॉप्स ड्रेसेस स्कर्ट्स जीन्स आप कैसे पिक कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो, बट उससे पहले मेक श्योर आप अपनी सेफ्टी का, अपनी परिवार की सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें। लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस टुगेदर। घर में रहिए, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बाहर मत निकलिए, एंड जितना हो सकता है बचिए इस वायरस से। अगर हम अपने आप को बचा लेंगे ना इस वायरस से तो काफ़ी हद तक ये स्प्रेड होने से बच सकता है। अपने घर में भी कम लोगों को एंट्री दीजिए, जितने भी आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए जो घर में आते हैं उनको भी आप पेड छुट्टी दीजिए, एंड उनको समझाइए, अवेयर कराइए थोड़ा सा कि किस तरह से वो भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो घरों में रह सकते हैं। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक वो भी घर से ना निकलें एंड इस वायरस को स्प्रेड होने से बचाएँ। यही एक बहुत अच्छा तरीका है, घर में सेफ रहकर ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वॉच माई वीडियोज। सो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी क्लोदिंग आइटम चूज करने से पहले। वर्टिकल स्ट्राइप्स, वर्टिकल पैटर्न्स, यानी कि सीधाई में, लंबाई में कोई डिज़ाइन हो, प्रिंट हो, इस तरह के कपड़े आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। वी नेक्स आप चूज़ कर सकते हैं टॉप्स में, ड्रेसेस में, तो वी नेक एक बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट करता है लंबाई का, एलोंगेटेड फ्रेम का। थर्ड है कि आप छोटे प्रिंट्स को आप चूज़ कीजिए, बड़े प्रिंट्स से ज़्यादा अच्छे लगेंगे छोटे प्रिंट्स अगर आप चूज़ करेंगे। ऑल्सो स्टिफ फैब्रिक्स, फूले फूले फैब्रिक्स, इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंड थोड़े से सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक को आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। लास्टली डार्क मोनोक्रोमेटिक लुक्स आप अपने लिए पिक कर सकते हैं डार्क कलर में। मोनोक्रोमेटिक लुक यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कलर के कपड़े जब आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा इल्यूजन आप एक क्रिएट कर पाएंगे स्लिमर एंड टॉलर फ्रेम का। सो ये थे कुछ 4-5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपने लिए कपड़े चूज करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप्स की, तो टॉप्स में आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले, वर्टिकल पैटर्न वाले टॉप्स पिक कर सकते हैं। लंबाई में, सीधाई में कोई भी स्ट्राइप्स हों या फिर कोई पैटर्न हो, कोई डिज़ाइन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्टिकली प्लेस्ड हो, इस तरह के टॉप्स आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट करते हैं आपकी टॉर्सो को, अपर बॉडी को थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं एंड पूरे फ्रेम को एक टॉलर अपीयरेंस देते हैं। तो ऐसे टॉप्स आप पिक कर सकते हैं एंड बटन प्लैकेट जिसमें आगे होते हैं इस तरह से बटन जो लगे हैं, ये भी एक वर्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्पेशली जो शर्ट्स होती हैं वो आप अपने लिए पिक कर सकते हैं बटन्स के साथ, एंड बहुत ज़्यादा पॉकेट्स जिसमें होती है ना वो वाली शर्ट्स या फिर टॉप्स आप अवॉइड कीजिए, वो थोड़ा सा बल्कीनेस ऐड कर देते हैं ओवरऑल आपके फ्रेम में। एंड ऑल्सो रफल्स एंड फ्रिल्स वाले टॉप्स को भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो थोड़े बहुत रफल्स या फिर फ्रिल वाली डिटेलिंग के टॉप आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं होना चाहिए उसमें। प्लस आप वी नेक के टॉप्स ट्राई कर सकते हैं, वी नेक्स की टी शर्ट, वी नेक्स की शर्ट्स, वी नेक के टॉप्स, ये सभी बेस्ट हैं आपके लिए। वी नेक बेस्ट होता है, डीप वी नेक में अगर आप कोई भी टॉप लेंगे, शर्ट लेंगे, तो बहुत अच्छा एक इल्यूजन मिलेगा, आपकी जो गर्दन है उसमें लंबी दिखेगी एंड ओवरऑल आपका बॉडी फ्रेम काफ़ी स्लिम दिखेगा। फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लूज आपको टॉप नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं लेने हैं जो बिल्कुल बॉडी को चिपक कर आए, नॉर्मल कंफर्टेबल फिट के आप लीजिए। टी शर्ट्स आप अपने लिए पिक कर सकते हैं, देन आप हाई वेस्टेड बॉटम्स के साथ उनको टक करके पहन सकते हैं। मैंने अपनी समर हैक्स वाली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हमेशा अपने टॉप्स को बाहर मत निकाल के पहनिए, हमेशा टक करके पहनिए, एंड उस पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली थी कि टक करके पहनेंगे तो हमारी बेली दिखेगी, हम थोड़े से हेवियर साइड पे हैं तो कैसे टक करें। तो आप हाफ टक ट्राई कर सकते हैं, ओवरऑल काफ़ी स्मार्ट लगता है हाफ टक। इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी टी शर्ट को या टॉप को साइड से टक कर लीजिए, जितने भी आपके स्ट्रेट फिट वाले टॉप्स हैं उनको आप हमेशा इस तरह से पहन सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट रहेंगे कि आप ए लाइन स्ट्रक्चर वाले टॉप्स लीजिए, तो थोड़े से ऊपर से फिटेड होते हैं, स्पेशली आपके बस्ट लाइन से नीचे ठीक थोड़ा सा जिसमें स्ट्रक्चर हो, थोड़ी सी फिटिंग जहां पर हो, इस तरह के टॉप्स आप पिक कर सकते हैं अपने लिए, जैसे पेपलम टॉप्स, ये बिल्कुल बस्ट लाइन से नीचे एक फिटिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, नीचे थोड़ा सा फ्लेयर इसमें आ जाएगा, तो एक अच्छी सी ए लाइन शेप मिलेगी एंड बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट होगा, आपकी जो अपर बॉडी है, आपका टॉर्सो काफ़ी स्लिम दिखेगा उसमें। तो इस तरह के ए लाइन वाले टॉप्स, पेपलम टॉप्स आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। इवन लॉन्ग में भी ट्यूनिक्स आप पहन सकते हैं, ए लाइन ट्यूनिक्स जो थोड़े से लंबे हों, जो थाइस से थोड़ा सा नीचे तक जाएँ,
इस तरह के टॉप्स आप ले सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी भी स्लिम दिखेगी, आपकी थाइज उसमें कवर होंगी, आपका टमी उसमें बहुत अच्छे से हाइड हो जाएगा। तो ऐसे टॉप्स आप ज़रूर पिक कर सकते हैं। एंड देन आप अपने टॉप्स को स्टाइल कर सकते हैं अपनी जीन्स के साथ। हाई वेस्टेड जीन्स बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। हाई वेस्टेड जीन्स इस तरह से होती है जो ऊपर तक आपके टमी एरिया को कवर करते हुए आती है। इससे बहुत अच्छे से आप अपनी टमी को ना एक बैलेंस लुक दे सकते हैं। जो जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो उसके अंदर दब जाता है एंड काफ़ी अच्छा स्लिमिंग लुक मिलता है। तो हमेशा इस तरह की जीन्स आप पिक कर सकते हैं अपने लिए। आप टक करके भी पहन सकते हैं, आप बाहर निकाल के भी अगर कोई टॉप पहनना है तो भी आप पहन सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्किनी, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वाली जीन्स मत पिक कीजिए। थोड़ी सी स्लिम फिट में आप अपने लिए ले सकते हैं, जो थाइज तक थोड़ा सा फिटेड होती हैं, आपके नीज तक थोड़ा सा फिटेड होती हैं एंड देन आपके काफ एरिया से थोड़ा सा स्ट्रेट फिट में होती हैं। इस तरह की जीन्स आप पिक कर सकते हैं। देन आप उसको रोल्ड अप करके पहन सकते हैं, थोड़ा सा फोल्ड करके नीचे से। एंड ध्यान दीजिए, जो आपके पैर का जो सबसे स्लिमिंग वाला पार्ट है, आपके एंकल वाले पार्ट में जो सबसे स्लिमिंग वाला पार्ट है, वहाँ तक आप अपनी जीन्स को रोल कीजिए सिर्फ, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा इल्यूजन मिलता है। इससे आपकी जो लेग्स है ना वो काफ़ी पतली दिखती हैं। तो हाई वेस्टेड बॉटम्स आप चूज़ कीजिए, उससे भी थोड़ी सी आपकी हाइट बढ़ी हुई दिखेगी, एक लॉन्गर फ्रेम मिलेगा एंड इस तरह से फोल्ड करके आप उनको पहन सकते हैं। एंड येस, आप अपनी जीन्स को डार्क कलर में पिक कीजिए। डार्क कलर से बहुत अच्छा एक इल्यूजन मिलता है, यू नो स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है, आपकी लेग्स थोड़ी सी लंबी दिखती हैं। तो डार्क कलर्स में लीजिए एंड ऐसी जीन्स जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। पीछे इस तरह की जो पॉकेट्स होती हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए। और अगर पॉकेट्स उसमें है भी तो ध्यान दीजिए जो उसकी स्टिचिंग पे, जो उसकी स्टिचिंग है वो डिफरेंट कलर में नहीं होनी चाहिए। जिस कलर में आपकी जीन्स है उसी कलर की अगर स्टिचिंग होगी तो बेस्ट रहेगा। एंड ऑल्सो आप बूट कट स्टाइल में भी अपने लिए जीन्स पिक कर सकते हैं। इस तरह से जो स्ट्रेट फिटिंग में होती है, नीचे से हल्की सी बेल शेप जिसमें है, बहुत ज़्यादा बेल शेप भी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी थोड़ा सा बूट कट वाला डिज़ाइन मिले, इस तरह की आप जीन्स पिक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप बॉयफ्रेंड जीन्स एंड मॉम जीन्स को भी ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी लूज टाइप में ये जीन्स होती हैं, बहुत अच्छे से एक इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं, बहुत अच्छे से हाइड करती हैं आपके बल्कीनेस को। तो हाई वेस्टेड बॉयफ्रेंड जीन्स या फिर मॉम जीन्स भी आप पिक कर सकते हैं। यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जीन्स आप हमेशा जब भी खरीदते हैं तो ऑनलाइन मत खरीदिए, हमेशा स्टोर्स में जाकर लीजिए, क्योंकि जीन्स की फिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो आप रिपीटेडली बार बार पहनते हैं दूसरे यू नो टॉप्स के साथ। तो हमेशा एक अच्छे से ट्राई करके अपने लिए जीन्स को चूज़ कर सकते हैं। आप स्टोर्स में जाके अच्छे से ट्राई करके, तसल्ली करके, पूरा उसमें बैठ के चल फिर कर देखिए कितनी कम्फर्टेबल हैं आप उसमें, तभी आप अपने लिए जीन्स पिक कर सकते हैं। हाई वेस्टेड पैंट्स एंड प्लाजोस को भी आप पेयर कर सकते हैं अपने क्रॉप टॉप या फिर टॉप्स के साथ, आप टक करके पहन सकते हैं सॉलिड कलर्स में या फिर वर्टिकल स्ट्राइप्स एंड पैटर्न्स में। अब बात करते हैं ड्रेसेस की। तो बेस्ट रहेगा आप अपने लिए मैक्सी ड्रेसेस चूज कर सकते हैं, लॉन्ग फिटेड मैक्सी ड्रेसेस, फिट एंड फ्लेयर, थोड़ा सा जो टमी से आपको स्ट्रक्चर दे, नीचे थोड़ा सा फ्लोई हो, इससे आपकी जितने भी प्रॉब्लम एरियाज हैं वो कवर होंगे। एंड बिल्कुल फ्लोर लेंथ की मैक्सी ड्रेसेस मत चूज कीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट लीजिए, जो मतलब आपके एंकल लेंथ तक की ड्रेस हो, थोड़े से हील्स उसमें आपके दिखने चाहिए। इस तरह की मैक्सी ड्रेसेस आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। ऑल्सो जितने भी शॉर्ट ड्रेसेस हैं उसमें भी आप फिट एंड फ्लेयर ड्रेसेस पिक कर सकते हैं। बॉडीकॉन ड्रेसेस जो बिल्कुल चिपक कर आती हैं वो ड्रेसेस को आप अवॉइड कीजिए। थोड़े से लॉन्ग में आप स्टिल ट्राई कर सकते हैं, पेपलम स्टाइल में आप इस तरह की बॉडीकॉन ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं, बट बिल्कुल जो चिपक कर आती हैं जिसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। अपने लिए रैप ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से जो ओवरलैप करके जिसमें फैब्रिक आता है, या फिर एम्पायर लाइन वाली जो ड्रेसेस होती हैं जिसमें इस तरह से बीच में एक जॉइन होता है, बीच में एक जोड़ होता है जिन ड्रेसेस में, सेम कलर में जिसमें जॉइन हो, इस तरह की ड्रेसेस आप पिक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा एक स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है, ओवरऑल आपकी वेस्ट उसमें पतली लगती है, क्योंकि काफ़ी स्लिमिंग वाला जो सबसे पतला वाला पोर्शन होता है ना आपकी कमर का, वो ये वाला एरिया होता है ठीक आपके बस्ट लाइन के नीचे, जहाँ पर आपकी एम्पायर लाइन होती है। इस तरह से इन ड्रेसेस को आप अपने लिए पिक कर सकते हैं, नीचे थोड़ा सा जिसमें फ्लेयर होगा तो बेस्ट रहेगा। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप नेक की डिटेलिंग पे, वी नेक्स बहुत स्मार्ट लगेंगे। लॉन्ग स्लीव्स में आप रख सकते हैं, लॉन्ग स्लीव्स अगेन बहुत अच्छा एक इल्यूजन देते हैं, लंबे हाथ लगते हैं उसमें। एंड ऑल्सो आप डार्क सॉलिड कलर्स में अपने लिए ड्रेसेस पिक कर सकते हैं। ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक जब एक ही कलर की ड्रेस होगी ना तो बहुत अच्छा एक वर्टिकल लाइन क्रिएट होगी, देखने वाले को एक बहुत अच्छा इल्यूजन मिलेगा कि आपकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है एंड आप बहुत हैवियर साइड पे नहीं है। प्रिंट्स में भी आप छोटे प्रिंट्स पिक कर सकते हैं, वर्टिकल पैटर्न्स, वर्टिकल लाइंस जिसमें हो, बटन प्लैकेट हो जिस ड्रेस में, ऐसी कोई ड्रेस पिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन छोटी छोटी चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस से कि आप
आपकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, आप बहुत हेवियर साइड भी नहीं है, ओवरऑल काफी अच्छा बैलेंस लुक आप दे सकते हैं। सिमिलरली स्कर्ट्स की मैं बात करूं तो वो भी लॉन्ग फ्लोई फैब्रिक में बहुत अच्छी लगेंगी आपके ऊपर। प्लीटेड स्टाइल की जो स्कर्ट्स होती हैं वो बेस्ट है, क्योंकि प्लीटेड स्टाइल वंस अगेन आपको एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करती हैं, बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट करती हैं, लंबाई में पूरा पैटर्न आता है, तो इससे आपकी जो लेग्स हैं वो काफ़ी लंबी दिखती हैं। तो आप हाई वेस्टेड प्लीटेड स्टाइल में स्कर्ट्स अपने लिए पिक कर सकते हैं, इस तरह की फ्लोई स्कर्ट्स बहुत स्मार्ट लगेगी। देन आप उसको टक करके पहन सकते हैं या फिर क्रॉप टॉप्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिटेड पेंसिल स्कर्ट्स जो होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, आप थोड़ा सा लॉन्ग में रख सकते हैं पेंसिल स्कर्ट्स को, हाई वेस्टेड स्टाइल में वो आप ले सकते हैं, या फिर पेपलम स्टाइल में जो पेंसिल स्कर्ट्स होती हैं वो आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। बट बिल्कुल जो चिपक कर ऐसी जो स्कर्ट्स होती हैं थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, एंड सेम कलर में रखिए अपनी पेंसिल स्कर्ट को, या फिर कोई भी अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं उनको अगर आप सॉलिड प्लेन कलर में रखेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप छोटे छोटे प्रिंट्स आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइप्स आप चूज़ कर सकते हैं, लंबाई में कोई भी डिज़ाइन हो पैटर्न हो ऐसी कोई स्कर्ट पिक कर सकते हैं, हाई वेस्टेड हो थोड़ा सा उसमें पैटर्न वर्टिकल हो जाए, एंड येस अगर आपकी जो स्कर्ट है वो बहुत ज़्यादा फिटेड है तो उसके साथ जो टॉप आप चूज करेंगे ना वो थोड़ा सा लूज में रखेगा, एंड अगर आपकी स्कर्ट थोड़ी फ्लोई है लूज स्टाइल में है तो उसके साथ जो टॉप आप पेयर करेंगे उसको थोड़ा फिटेड रखिएगा, एंड ओवरऑल आप सेम कलर में रख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सेम कलर मिलेगा तो बहुत अच्छा एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अपने टॉप एंड स्कर्ट को सेम कलर में भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए, छोटे प्रिंट्स लीजिए, वर्टिकल स्ट्राइप्स वर्टिकल पैटर्न्स आप पिक कीजिए, वी नेक्स में आप टॉप्स पिक कर सकते हैं फुल स्लीव्स के साथ फिर आप उसको किसी स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक बैलेंस लुक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आर श्रग्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं ओवरऑल आपकी बॉडी को एक बैलेंस लुक देने में, तो हमेशा फ्लोई फैब्रिक में थोड़े से लॉन्ग में रखिए अपने श्रग्स को। बेस्ट रहेगा कि नी से नीचे काफ तक की जो लेंथ होती है इसके बीच की लेंथ बेस्ट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रखनी है, नी से नीचे तक के श्रग बेस्ट रहेंगे आपके लिए थोड़े से फ्लोई फैब्रिक में। फुल स्लीव्स में भी रख सकते हैं आप, स्लीवलेस भी रख सकते हैं, एंड देन आप उसको अपने जीन्स टॉप के साथ पेयर कर सकते हैं या फिर टॉप एंड स्कर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बैलेंस लुक आप क्रिएट कर सकते हैं श्रग्स के साथ, काफ़ी कंफर्टेबल भी रहते हैं एंड काफ़ी स्मार्ट लुक भी देते हैं। सो गाइज ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं अपने लिए ड्रेसेस को पिक कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने कुर्तीज़ के ऊपर, प्लाजोज के ऊपर, साड़ी स्टाइलिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाई है फॉर शॉर्ट हाइट एंड प्लस साइज गर्ल्स, तो जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट जरूर करना, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।